पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षकों को सम्मानित किया गया। ट्रेनिंग सेंटर में 780 आरक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें 450 महिला आरक्षक शामिल हैं। पीटीएस रीवा में नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईजी चंचल शेखर व विशिष्ट अतिथि के रूप में संभागायुक्त अशोक भार्गव, डीआईजी अविनाश शर्मा, कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, एसपी आबिद खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सर्वप्रथम नव आरक्षकों को शपथ दिलाई गई और उसके बाद उन्होंने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। सबसे ज्यादा 5 पुरस्कार महिला आरक्षक सुप्रिया त्रिपाठी को मिले। एसपी पीटीएस द्वारा संदेश का वाचन किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि पुलिस की नौकरी काफी चुनौतीपूर्ण होती है और आप लोग यदि टीम भावना के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सेवा काल में आप लोग मेहनत व ईमानदारी से कानून व्यवस्था संभालने, आम लोगों की मदद करने और पीड़ित व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करने जैसे कार्यों को प्रमुखता से लें। कार्यक्रम के बाद अपने बच्चों को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखकर परिजन आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। ग्राउंड परिसर में परिजनों ने बच्चों को गले लगाकर उनकी बधाइयां दी। हम आपको बता दें, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 780 आरक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें महिला आरक्षक की संख्या 450 है। लगभग 75% प्रशिक्षणार्थी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इन सबको वाहन चलाने का भी प्रशिक्षण दिया गया है, साथ ही इनके ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए गए हैं और यह प्रशिक्षणार्थी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर नौकरी ज्वाइन करके कानून व्यवस्था संभालेंगे। बड़े ही शानदार और सदैव ढंग से पूरे अनुशासन के तहत इस कार्यवाही को अंजाम देते हैं ये जवान। बैंड की प्रशिक्षण और शपथ ग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और आज प्रशिक्षु नवारक्षकों को ये शपथ दिलाएंगे। पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा के पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह। सशस्त्र सीमा के डीआईजी ऑपरेशन व आईजी का पद वर्तमान में आप पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी उत्कृष्ट व विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2009 में जा रहे हैं। इन सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए एक बहुत ही उत्साह शिशु नवारक्षक राष्ट्रीय ध्वज एवं पुलिस ध्वज को सम्मान कर देश एवं देश के संविधान और पुलिस आचरण संहिता के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेंगे और इन प्रशिक्षणार्थियों को आज के शपथ दिलाएंगे पुलिस प्रशिक्षण शाला के पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह। जिला सिवनी से दर्शकों से हमारा निवेदन है कि इन पुरस्कार विजेताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए तालियां जरूर बजाएं। सत्र का सर्वोत्तम आठ प्रशांति द्वितीय नव आरक्षक दलीप कुमार उइके जिला सिवनी 1500 रुपए की नगद राशि प्रशस्ति पत्र एवं श्री। सत्र की सर्वोत्तम टोली क्रमांक 9 नव आरक्षक अमर शर्मा जिला।